से देखिए यहाँ पर दिया है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू में 8 है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है, तो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू में 8 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है 8 टाइम्स होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। चलिए अब इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में 8, ए ना होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए आगे हम लोग आगे सॉल्व करते, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे रहने दो, और इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए के इक्वल होता है और यहाँ पर हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं इक्वल टू में 8। तो हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है, तो हमने यूज़ किया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, इन दोनों का हमने यूज़ किया है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अच्छा यहाँ देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड जो है यहाँ देख रहे हैं कि 8 ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, समझ गए ना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने दे दिया, वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह ये लिख दिया और माइनस का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 8, तो ये हो जाएगा 64 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ घटा देंगे तो 63 हो जाएगा, 63 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो 8/63 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर जाएगा रूट में, तो प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 8/63। तो देखिए ऊपर आपका 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं और नीचे आपका 63 है ना जी, तो वहाँ 3 गुना 3 गुना 9 और 9 7 63, तो पेयर बन गया ना, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा आपका 3√7, समझे ना। तो ये हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अच्छा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, यानी कि 8 इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है 2√2 और बटा में 3√7, यानी हो जाएगा 16√2 बटा में 3√7। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, समझ गए। चलिए अब